3 सितंबर को शाम 6 बजे हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार थम गया। 4 सितंबर को बूथ पर टीम को वोटर स्लिप बांटने का सिलसिला टीम करती रही व नेताओं को थोड़ा आराम मिलता दिखाई दिया। बसपा इनेलो उम्मीदवार विजय सोमाणी भी अपने समर्थकों के साथ फुर्सत में बैठे नजर आए। आइए हम उनसे सुनते हैं कैसा रहा चुनाव प्रचार में हुए विल। नेताजी, चुनाव प्रचार थम चुका है कल, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, फुर्सत के क्षणों में लग रहे हैं आप? आज तो एजेंट का यानी पोलिंग स्टेशन की बंदोबस्त के लिए तैयारी कर रही है टीम के लोग। आपने बहुत लंबा प्रचार प्रसार किया, क्या अनुभव रहा, किस प्रकार से देख रहे हैं इस चुनाव? अनुभव ये है साहब कि वोट तो है गुप्त मतदान, लेकिन अब की बार हमने मान लो 1,00,000 लोगों से अपील की, तो उसमें से 99,000 लोगों ने हमको मुस्कुरा कर रेस्पॉन्स किया, पॉजिटिव फीलिंग हो रही है हमको। बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। बाकी ये जो साथी बैठे हैं इनके हाथ में। आपकी बार आपके पास मजबूत टीम की मजबूत एक हाथी है। हाँ। और एक साफ चश्मा है। हाँ जी। इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? मैं समझता हूँ लोग अब की बार हाथी को चंडीगढ़ भेज देंगे रेवाड़ी से, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। अब की बार कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और चश्मे का और हाथी का चश्मा भी लगा हुआ है। पहले हाथी जो है अम्बाड़ा जाके थोड़ा धुंधला जाता था, लेकिन अब चौटाला साहब का चश्मा जो है वो सीधा पचकुला साहब के निकल गया। तो आपको क्या लग रहा है रेवाड़ी में आपके प्रति माहौल कैसा रहेगा? लोग देखिए 80% साइलेंट वोटर है। कंपेरेटिवली जो अदर कैंडिडेट हैं उनमें जब वो विजय सोमाणी को देखेंगे तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी में वोट वो सोमाणी विजय चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबाएंगे। क्या जो साइलेंट वोटर है वो अन्य पार्टियों से डरा हुआ है या किस प्रकार से उनका? देखिए कांग्रेस वाला जो MLA है उसकी बड़ी भारी बदनामी चल रही है। 367 एकड़ गऊओं का अनुदान, सरप्लस भूमि, विकास का पैसा की ठग्गा ठोरी, रेवाड़ी की बदहाली, इसकी सारी जिम्मेवारी कप्तान अजय उसके बेटे की बनती है। अब आता है दूसरे नंबर पर BJP। उस BJP वाला भाई भी जो MLA था, सेक्टर 4 में रेवाड़ी में रहता था, जिले का नहीं वो पूरे प्रदेश का MLA था, उसने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं कही जो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए, महिला चाहे पुरुष किसी के लिए कोई ऐसी बात कही हो। यहाँ 160 स्कूल का मसला रहा, यहाँ पर रोज गायों का पैर टूटते हैं, यहाँ पर गंदगी का आलम है, पानी की ना निकासी है ना पानी की, मतलब पानी राशनिंग में चलता रहा, और 40 लोगों की सरकार रही यानी कि मेजोरिटी पूरी नहीं थी। ऐसे में विधायक का दबदबा डबल हो जाता है। हम दिखाएंगे लोगों कि विधायक क्या होता है, सरकार क्या होती है, और इस इलाके में जो कुछ है, इस देश में जो कुछ है वो चौधरी देवीलाल जी की सोच का परिणति है। चौधरी देवीलाल जी में फीलिंग नहीं होती किसान के लिए, मजदूर के लिए, कमेरे के लिए, व्यापारी के लिए, तो शायद इस जिले रेवाड़ी में तो कुछ होता नहीं। यहाँ सचिवालय है, यहाँ सोमाणी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, राव तुलाराम पार्क है, राव तुलाराम जी की स्टैचू तक उसी परिवार के द्वारा रखी गई। जो लोग 10-11 बार तुलाराम की विरासत को बुलाते रहे उन्होंने एक स्टैचू भी नहीं लगाई। जैसे यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनमें मुख्य मुकाबला तो 4 ही कैंडिडेट में दिखाई दे, जिसमें एक हाथी हो गया, एक टेलीफोन है, एक कमल का फूल है और एक हाथ है, तो इनको चारों को किस प्रकार से आप? सब मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो जो जनता की आंखें देखी वो बता रहा हूँ कि 1,00,000 लोगों को मान लो हम मिले होंगे 3 महीने में। जब ये और लोग टिकट मांग रहे थे तो हम जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। अब की बार जो नौजवान सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, विशेष तौर पर यादव समाज के,
वो जातिवाद से बाहर आकर सोमानी विजय चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट करेंगे और करवाएंगे। ये परिणाम आप 8 तारीख को देखेंगे। शहर रेवाड़ी में जो लोग हैं वो इनको बार बार बना बना कर इनको बीजेपी कांग्रेस, एक जिला प्रमुख रहे, जिला प्रमुख भी सतीश जो है वो एक विधानसभा नहीं बल्कि 3 विधानसभाओं पर प्रमुख था, बार का वकीलों का प्रधान था, तो उनको भी सब जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं। और कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसको रेवाड़ी का मतदाता न जानता। नेताजी का आखिरी सवाल, चुनाव प्रचार चुन चुका है, चुनाव के चंद घंटे रह गए, तो रेवाड़ी की जनता जनार्दन को क्या संदेश? मेरा हाथ जोड़कर ये अपील है रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, सभी बहनों भाइयों से, 2,60,000 करीब मतदाता है, उन सबसे मेरी अपील है कि एक मौका सोमानी को देखें तो राजनीति की तस्वीर बदल दूंगा, रेवाड़ी की विकास की नई गाथा लिख दूंगा, आम आदमी को राज का मजा चखा दूंगा और यहाँ पर जो सिस्टम है उसको पूरी तरह आमूल चूल परिवर्तित कर दूंगा। कारण कि बिना हमारे सामंजस्यता के हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। आखिर चश्मा जो है वो इतना तेजी से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कारण कि जब ताऊ देवीलाल का नाम आता है तो लोग साइलेंट पर आ जाते हैं कि वे वास्तव में अगर वो पीड़ा नहीं रखता गरीब दलित की, बूढ़ा बूढ़ी की, तो वास्तव में बहुत बुरा हाल हो जाता। आज महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, नशे का क्या हाल है, विकास की पटरी कहाँ कटिक गई, बजट आता है वो कहाँ चला जाता है, इन नेताओं के पास जो करोड़ों की संपत्तियां हैं वो क्या विकास के पैसे का हिस्सा है, क्या इन्होंने कोई फैक्ट्री या कोई और काम कराया इन्होंने, ये साफ जनता समझ चुकी है। अगली बार लोग ना जातिवाद में आने वाले, ना पार्टीबाजी में आने वाले, ना गुटबाजी में आने वाले, लोगों ने आँख मीच के सोमानी विजय चुनाव से नाथी, मैंने डर की दवाई और बना दी राजनीतिक कि भाई जो कोई पैसा दे पैसा ले आओ, कोई और सेवा दे वो ले लो, लेकिन आँख मीच के 1-2-3 छोड़ के 4 पे सोमानी विजय जब होगा जब हाथी बटन दबा दोगे, ये बात लोगों ने स्वीकार कर ली।